हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लॉगरिथम। ये क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फर्दर चैप्टर्स में बहुत हेल्प मिलेगा इस सारे टॉपिक्स को पढ़ने से। तो सो हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम विच इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो डेफिनेशन ऑफ सेट्स क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट्स का सबसे बेसिक डिफिनेशन जो होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को ही हम लोग सेट्स बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ना कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कैसा हो सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहां पर देखिए द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ये एक सेट का एग्जांपल हो गया। कैसे? कि प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर वो तो हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11 .. ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं जिसे हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्लियरली पहचान सकते हैं। तो जिसे हम क्लियरली पहचान सकते हैं वो सारे हो जाएंगे वेल डिफाइंड। मीन्स जो भी जिसका भी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही बोलेंगे हम लोग सेट्स। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स के कलेक्शन को ही हम लोग सेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स के कलेक्शन, वोवेल्स क्या है, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि वोवेल्स को हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वोवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वोवेल्स हैं। तो ये सारे वोवेल्स को हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट हो गए हैं ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग सेट्स बोलेंगे। तो अब देखिए ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो वेल डिफाइंड नहीं है, किसे हम लोग सेट्स नहीं बोलेंगे, उसमें ऐसा क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ना, कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन दिस क्लास, अगर ये लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट अगर कहीं लिखा हुआ है, देखिए इंटेलिजेंट बॉयज, अब बताइए कि क्लास में अगर मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स है और ऐसा बोल दिया जाए कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन दिस क्लास, तो फिर उस सेट्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, उस सेट्स में कितने बच्चे हो जाएंगे। तो ये देखिए इंटेलिजेंट बॉयज है, तो इंटेलिजेंट बॉय का एक लिमिट डिफाइन नहीं है कि इस लिमिट के बाद हम इसको इंटेलिजेंट बोलेंगे, इस लिमिट के पहले वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसीलिए इसमें ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, इसीलिए इंटेलिजेंट बॉयज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये इंटेलिजेंट बॉयज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे हम लोग सेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। मींस अगर ये लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन दिस क्लास, तो ये सेट्स नहीं है। क्लियर ना? तो वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मतलब अगर ऐसा लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास, ये सेट्स नहीं है। तो नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। तो इस टाइप से इंटेलिजेंट बॉयज, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑनेस्ट पर्सन,
ऑनेस्ट पर्सन, रिच पर्सन, ये सारे के सारे क्या हो गए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ओके, तो सेट्स क्या है, सेट्स हम लोग समझे अभी ना कि सेट्स क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही सेट्स बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है तब उसे सेट्स नहीं बोलेंगे। ओके, तो वेल डिफाइंड में क्या क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो गए, वोवेल्स हो गए, नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर ऐसा होता कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे सारे वेल डिफाइंड हैं। तो अगर ऐसा रहता कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, तो यहाँ पे स्टेट्स जो है ना ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि जितने सारे स्टेट्स है वो नॉन है, उसे हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियरली पहचान सकते हैं, तो उसके कलेक्शन को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर हुआ ना, जिससे हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो सारे हो जाएंगे वेल डिफाइंड। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वेल डिफाइंड नहीं है, लाइक इंटेलिजेंट बॉयज, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये सारे वेल डिफाइंड नहीं है, ऑनेस्ट बॉय, रिच पर्सन, ये सारे सारे क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके कलेक्शन को सेट्स नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि सेट्स को किस, सेट्स को कैसे डिनोट किया जाता है वो लिखना चाहते हैं हम लोग। तो इट इज डिनोटेड बाय, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए, बी, सी, तो कैपिटल लेटर से सेट्स को डिनोट करते हैं। मींस अगर ये एक सेट्स है, अगर ये सेट है तो इसको लिखेंगे ए एक सेट है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू, ए इक्वल टू, और ये सारे एलिमेंट को शो कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, लिख सकते हैं कि ये एक सेट है ए, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 2, 3, 5, 7, ये सारे सारे इस सेट्स के एलिमेंट्स हैं। तो एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये सेट्स है, तो सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ओके, नाउ नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन मीन सेट्स को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए कि ये दोनों तरीका में डिफरेंस क्या है, मीन्स ये दोनों तरीका में सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट्स में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना है सेपरेटेड बाई कॉमा, जितने सारे एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट को शो करना है और वो कॉमा से सेपरेट करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसा लिखा है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, अगर ऐसा लिखा है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो इस सेट्स को हम लोग दोनों फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं कि ए कोई सेट है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में आ जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 का मतलब हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 3, 4 लेस देन 5 है ना, लेस देन 5 है तो 4 तक, मीन्स 1, 2, 3, 4, ये चार एलिमेंट है जो इस सेट में आ सकता है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 मीन्स 1, 2, 3, 4, तो ये चारों एलिमेंट को अगर हम शो कर देंगे 1, 2, 3, 4 से सेपरेट करके और ये कर्ली ब्रैकेट और सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। तो ये जो सेट हो गए ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में समझ में आया कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मतलब जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के वो सारे के सारे लिख देना है, लिस्ट कर देना है जो जितने सारे एलिमेंट्स हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और जो भी
एलिमेंट्स को लिखना है उसको कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये हो गया इस सेट्स का, इस सेट का रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग दिखते हैं इसी सेट को अगर हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में करते क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो मतलब ऐसा लिखना है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिससे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस सेट में यही चार एलिमेंट है 1 2 3 4, मींस यही कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 को ही एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी करके लिख देना है, तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे देखिए एक कोई सेट है ए, तो लिखेंगे सेट ए इक्वल टू एक्स, उस सेट में एलिमेंट क्या होंगे एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स का प्रॉपर्टी हम लोग को डिफाइन करना है कि सेट ए इक्वल टू है एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। अब देखिए जो सेट ए है उसमें कौन सा एलिमेंट है एक्स, सेट ए में एलिमेंट है एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस है, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस है, उससे क्लियर ये क्लियरली हो चुका है कि एक्स में क्या क्या आएगा 1 2 3 4 ये आएगा। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। तो इस सेट को हम लोग दोनों तरीका से लिख चुके हैं। अच्छा इसी में ना और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, एक सेट लिए हम लोग एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब इस सेट को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कोई सेट है बी और जितना भी प्राइम नंबर होंगे लेस देन 10 वो सारे को लिस्ट कर देना है। अब 10 से लेस प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 3 5 7, ये 4 का 4 हो जाएगा प्राइम नंबर जो 10 से लेस है। इसके बाद प्राइम नंबर 10 से लेस और प्राइम नंबर नहीं है, यही 4 है प्राइम नंबर जो 10 से लेस है। तो इसको हम लोग एक सेट बना कर लिख दिए और सारे एलिमेंट को शो कर दिया, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब इसी सेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं कि बी एक सेट है जिसमें बिलोंग कर रहा है एक्स, मीन्स बी इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो डबल डॉट लिखा हुआ ना इसको बोलेंगे हम लोग सच दैट, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10। एक्स क्या है, बी में कौन सा एलिमेंट होगा एक्स, वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में एंड रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा इसमें और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कि द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर ये लिख देंगे। तो जो इवन नेचुरल नंबर है वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करना है हम लोग को सेट रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं कि सी कोई सेट है, तो इस सेट को लिखना है रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, इसमें आ जाएंगे 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। इसमें ये जो सेट है इसमें 2 4 6 सारे इवन नंबर आ जाएंगे, तो सारे इवन नंबर तो बहुत सारे नंबर होते हैं ना, तो बस स्टार्टिंग में 4 5 एलिमेंट लिख देना है एंड सो ऑन करके रिप्रेजेंट कर देना, तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब इसी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सच दैट एक्स इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखिए C में कौन सा एलिमेंट है x, x क्या है 2n टाइप से एंड जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मींस ये जो स्मॉल n है इसका वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, इसका रख सकते वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 ये रखेंगे। अगर स्मॉल n का वैल्यू 1 रखेंगे तो x में क्या आ जाएगा 2 into 1 2,
अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रखेंगे नेचुरल नंबर, तो x में क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, तो क्या-क्या मिल रहा है हम लोग को x में, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ये सारे के सारे क्या है इवन नेचुरल नंबर है। तो इस टाइप से इस इवन नेचुरल नंबर जो सेट कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किए, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या था, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना है सेपरेट बाय कॉमा एंड सराउंडेड बाय कर्ली ब्रैकेट, ओके। एंड नाउ सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया हम लोग, उस सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं किए लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को लिख दिए, जिससे वही सारे एलिमेंट्स क्लियर समझ में आने लगे। तो इस टाइप से सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स मीन्स सेट्स को हम लोग कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, सेट को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, मीन्स उसका टाइप्स ऑफ सेट्स क्या क्या है, कितने तरह के सेट्स होते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। एम्प्टी सेट और वाइड सेट, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, एम्प्टी सेट मींस एक ऐसा सेट जो खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे अगर अगर a इक्वल टू लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट है, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि इस सेट में एक एलिमेंट तो है, इस सेट में एक एलिमेंट तो है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए a = 5। अगर कहीं लिखा है मींस a एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट लिखने का जरूरत ही नहीं है। कर्ली ब्रैकेट हम लोग कब लिखते हैं, जब उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, उस एलिमेंट को ही हम लोग कर्ली ब्रैकेट करके डिनोट करते हैं। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट लिखने का जरूरत नहीं है। तो a = 5 इज ए एम्प्टी सेट विच हैज नो एनी एलिमेंट, क्लियर ना। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। अगर कहीं 5 लिखा हुआ है मींस ये एम्प्टी सेट है या फिर वाइड सेट है, ओके। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, जैसा कि इसका नाम से क्लियर है ना, सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होंगे उस सेट को बोलेंगे हम लोग सिंगलटन सेट। तो एक एग्जांपल इसका सिंगलटन सेट का कि b = 5 एक एलिमेंट है, तो 5 सिंगल एलिमेंट है, और ये कर्ली ब्रैकेट क्योंकि सिंगल एलिमेंट आ चुका है तो अब कर्ली ब्रैकेट इसमें लग सकता है। तो b = 5 लिखा हुआ है, b = 5, तो ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट है, ओके। तो ये एम्प्टी सेट, उसके बाद फिर सिंगलटन सेट। उसी टाइप से हम लोग आगे फर्दर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट हम लोग नेक्स्ट क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, जैसा कि इनफाइनाइट सेट लिखा हुआ ना, इनफाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, एंड ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मीन्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं, और वो कुछ बहुत बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक नहीं जाता होगा कि कहीं ना कहीं जाकर वो एंड हो जाएगा, तो उस टाइप का सेट को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे, जिसके जो एलिमेंट हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे, मतलब अप टू इन्फिनिटी ये हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इन्फिनिटी हो सकते हैं, बहुत बड़े नंबर। तो उस टाइप का सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर a = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट हो गए, इसमें एलिमेंट हो गए 1 to 10, मीन्स 10 एलिमेंट हो गए इस सेट में। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें 10 ही एलिमेंट है, इसमें एंड हो गया ना एलिमेंट का, अब इसमें आगे नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है, ये एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट का, मीन्स ये हो गया फाइनाइट।
अब हम लोग इनफाइनाइट का एग्जांपल ले सकते हैं, इनफाइनाइट का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ए कोई सेट है जिसमें हो जाएंगे ए वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर अप टू डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो एंड सो ऑन का मतलब हो गया कि इसी टाइप से ये चलता जाएगा। और ये है क्या एक्चुअली में, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये जो सेट ए है ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ तक जा सकता है, ये तो अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है ना, अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसलिए ये हो गया इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। तो क्लियर हुआ ना कि फाइनाइट सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिट होंगे, उसके अपर लिमिट फिक्स होंगे कि हाँ कि सेट है इस किसी इसका अपर लिमिट कुछ ना कुछ होगा। तो ये हो जाएंगे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट में अपर लिमिट फिक्स नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। क्लियर ओके अच्छा ये चीज़ क्लियर है कि अगर कहीं पे n लिखा हुआ है, सम रिजर्व वर्ड्स है जिससे सेट्स कौन से सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ये क्लियर होना चाहिए। जैसे कहीं अगर लिखा हो कैपिटल N, तो ये समझ जाना कि कैपिटल N इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन मीन्स द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके अगर आई या फिर जेड लिखा हुआ है, अगर कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड लिखा हुआ है, तो इससे समझना है कि द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये जो कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड है ये है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। और अगर ये लिखा हुआ है आर लिखा हुआ है, इट मींस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स अच्छा। और अगर ऐसा लिखा है R plus means the collection of positive real number, the collection of positive real numbers। क्लियर ना। तो ये सारे जो लिखे हुए कैपिटल N या फिर कैपिटल I और Z, R plus, तो कैपिटल N मीन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, I और Z मीन द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, R मीन द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, R प्लस मीन द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये कहीं लिखे जाएंगे N, तो इससे ये समझ जाना है कि वो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम लोग अभी पढ़े फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, और ये सारे रिजर्व वर्ड्स।